अरे ओ कहाँ लेके जा रहा है हेलमेट तू? पचास रुपया लग रहा है। हमारे पीछे जो भैया हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं भाई, कसम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया चंडे में। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं पारसनाथ घूमने के लिए। सडनली हमारा प्लान बन गया कि पारसनाथ जाना है हमें। सुबह का 4 बज रहा था, सोच रहा था ये वीडियो बनाते हुए चलूँ। ये मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग है और लाइफ में पहली बार मैं किसी पहाड़ी पर घूमने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और मैं भी जूता पहन कर रेडी हो गया हूँ, दोस्त लोग भी आ रहे हैं मेरे। तो हम सब चल पड़े हैं अपनी अपनी बाइक लेकर पारसनाथ की ओर। हमारे घर से यानी कि रानीगंज से पारसनाथ की दूरी लगभग 140 से 45 किलोमीटर के आसपास होगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं। तो फाइनली करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाए हैं। करीब 2-3 पेट्रोल पंप घूम लिए लेकिन पेट्रोल नहीं मिला कहीं भी। तो यहाँ पर हमने करीब 800 का पेट्रोल भरा लिया है। 800 का एक बाइक फुल टैंक, फुल टैंक, दो बाइक में फुल टैंक, लगभग इसका बाइक में भी फुल टैंक है लगभग। ये रौनक अपना गाड़ी ठेल कर लेके जा रहा है, पैसा नहीं है उसके पास। चलिए अब हम लोग निकलते हैं। अबे हेलमेट कहाँ? अरे ओ ओ कहाँ लेके जा रहा है हेलमेट तू? अरे हेलमेट भी है जरा देखिए रोशन को। अबे क्या कर रहे? चल चल निकलते हैं, चल चल आ जा। अबे इसको देख हेलमेट भी है जरा। करीब 90 किलोमीटर चलने के बाद हम थोड़ा देर रुके हुए हैं अभी। चाय बनाएगा अभी और 30 से 40 किलोमीटर हमें और दूर जाना है। ये मेरा दोस्त, देखिए सुबह कितना अच्छा लग रहा है रोड। रोशन कुछ बोलना चाहता है? अबे काहे टेंशन ले रहा है? आगे वीडियो है कि नहीं है? चलिए फिर और बढ़ते हैं आगे। तो हमें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है तो यहाँ पर हम लोग रुक कर कुछ खा रहे हैं। गाइस लगभग में हम पहुंच चुके हैं अभी भी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है। देखिए आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से, तो देखिए वो है वाइट वाला टेंपल है वो। अभी भी करीब 20 से 30 किलोमीटर हमें और दूर जाना होगा। तो आखिरकार चलते चलते हम मधुबन पहुँच ही गए। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है पहाड़ की ओर चढ़ाई करने के लिए। चलिए आगे चलते देखते हैं कि हमें बाइक ले जाने का मौका मिलता है या फिर यहीं स्टैंड में लगाना होगा। आइए। तो हमें गाड़ी ऊपर ले जाने के लिए नहीं मिल रहा है तो गाड़ी हमें स्टैंड में लगाना पड़ेगा। कितना रुपया लगेगा गाड़ी भाड़ा लगाने का? 30 रुपया। 20 रुपया लगता था ना? हमने बाइक यहाँ पर स्टैंड में लगा दिया है क्योंकि बाइक किसी लीगल इशू के कारण हमें ऊपर ले जाने नहीं मिल रहा है। और हम लोग यहीं से पानी ले ले रहे हैं क्योंकि ऊपर में 20 का 40 मिलेगा और यहाँ पर जो प्राइस है वही मिल रहा है। संतोष यहाँ पानी लेके रेडी है। 50 रुपया लग रहा है? सही चलिए गाड़ी, चलिए गाड़ी लगा हुआ ना स्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो का चलिए तब हम यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये है पारसनाथ पहाड़ी का एंट्री गेट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। 27 कितना किलोमीटर होगा और ऊपर? 27। अबे चढ़ने में तो फट रहा है यहीं से। ऐसे नहीं, ऐसे 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 छाती पे, छाती पे थारा भाई चुचिंदर, थारा भाई चुचिंदर। रसद
तो अभी हमने चढ़ना स्टार्ट ही किया है, अभी तो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, आगे देखते हैं क्या होता है। खैर बहुत बहुत सुंदर प्लेस है ये, आप जरूर आइए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चाचा आप लोग इधर, चाचा आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? काफी का इंतजार, इधर मछली मारने आए हैं पहाड़ पे। हाँ क्या बोल रहे थे भाई, मछली चोर? एक चपाट का ढांड ये इधर से। हम लोग चढ़ रहे थे ठीक बढ़िया ऊपर, लेकिन ये जो ये भाई इतना थक गया ना, ये इतना थक गया ना, चढ़ नहीं पा रहा। तो हम लोग इसको बोले तो यहीं पे सूत, हम लोग आ रहे ऊपर से चढ़ के। तो भाई संतोष सुनना, आते चढ़ के हम लोग ऊपर से, तो देखो जाते टाइम पिकअप कर लेंगे यहाँ से। चलो ठीक है, तो रौनक हम लोग बढ़ते आगे। आपको मैंने किसी अपने दोस्त से मिलाया नहीं ना, देखिए ये रौनक है। हाय। अरे हमारा ये राहुल मामा, ये है मेरा दोस्त संतोष, हमारे दोस्त गांव फड़वा, उधर छोटा भाई मेरा रोमी। रोमी हाय। चलिए फिर अब हम चढ़ते हैं। आप इसकी चढ़ाई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, हम लोग करीब 3-4 किलोमीटर ही चढ़े होंगे अभी, लेकिन बहुत ज्यादा थक चुके हैं। थोड़ी देर यहाँ पे नींबू पानी पी लेते हैं, एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सर मेरा भाई का, सबका डाउन है भाई, मेरे भाई का ज़्यादा डाउन है। यहाँ हम नींबू पानी पीने के लिए रुके हुए हैं। संतोष सो गया है गहरी नींद में। संतोष उठ, नींबू पानी बन गया भाई, पीले पीले उसके चलते ऊपर, समझा? चीयर्स। लहरा ताड़ी पी रहे हम लोग ना। तो खैर इतना मुशक्कत के बाद हम लोग चलते चलते आए हैं, और ये नज़र आ रहा है अब मंदिर। अभी भी करीब 8 किलोमीटर है, 7 से 8 किलोमीटर। थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप लोग जब भी आओ ना तो कम से कम पर पर्सन, एक पर्सन 3 से 4 लीटर पानी जरूर ले लेना। हमारे पीछे जो भैया है हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं, हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि आप बाइक पे चलिए, आप लोग नहीं चढ़ पाएंगे। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, वैसे थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। इसका भी हालत ख़राब हो गया है, और हाँ विकास का भी हालत ख़राब हो गया, हम लोग चल नहीं पा रहे बोल सकते हो, दो दो मिनट में बैठ जा रहे हैं। आना भाई अपना लाठी पहना लेके आना, समझे? चलो और आगे मिलते हैं, अब ऊपर मंदिर पे सीधा। हमारे चेहरे का रंग उड़ चुका है, इतना ज्यादा थक चुके हैं ना। करीब 1000 सीढ़ी है यहाँ पर, 1000 सीढ़ी चढ़ना है अभी हमें। हाँ अच्छा, हम लोग बाइक से नहीं आए, एडवेंचर का जो असली मजा है ना भाई, पैदल चलने में। हम लोग फिर से नींबू पानी बनवा रहे हैं यहाँ पर, ये दूसरा दुकान है जहाँ हम लोग नींबू पानी बनवा रहे हैं। देखिए भैया वहाँ बना रहे हैं, रोशन बैठा हुआ है यहाँ पे, संतोष लेटा हुआ है। संतोष हाँ, थारा भाई जोगिंदर। चलिए ठीक है, अभी भी करीब 5 किलोमीटर के अराउंड होगा हमारा डेस्टिनेशन। चलिए फिर बढ़ते रहेंगे, ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और फिर से विकास, मेरा भाई थक गया, चलो निकला जाए विकास, चलो बहुत लेट हो रहा गाइस। मेरा पैर जो है ना बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा है, फिर भी चल रहे हैं, दोस्त लोग रुकने नहीं दे रहा, बोल दे भाई कम से कम आधा घंटा रुकने दे, बोला नहीं नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है 5000 फीट ऊपर चढ़ाई करना, सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
तो आखिरकार चलते चलते हम मंदिर के करीब आ चुके हैं। अभी भी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। आखिरकार इतने परिश्रम के बाद हम पहुंच ही गए हैं इधर। इतना सीढ़ी चढ़ के आए हैं, 1000 ना सीढ़ी चढ़े, फिर अभी ये सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे, पैर का बैंड बजा हुआ है बहुत ज़्यादा, सांस एकदम बहुत ज़्यादा तेज चल रहा। पहले पहुंचे कितना देर पहले? 2 घंटा पहले। अरे बाबा, और हम लोग बहुत ज़्यादा दूर गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए समझे, हिल क्लाइंबिंग करते हुए आए समझे, पता नहीं सकते लोग भी जानते हैं, मतलब पेड़ का रस्सी बना बना के उतरते हुए आए अभी, मज़ा आता बहुत। अरे एक बार तो क्या हुआ ना, हम ऊपर से नीचे गिर गए, फिर ये लोग, ये लड़का नीचे से उठा के ले आया हमको। अभी नहीं आ रहा था, हमको तो लग रहा है कि ये आप बोलेंगे एक बार पकड़े होंगे, पेट पे पटके होंगे। चले, इन लोगों का ये दुर्विचार मुझे पसंद नहीं है, मैं चलता हूँ मंदिर की ओर। ठीक है, पारसनाथ का हिल टॉप 5000 फीट की ऊंचाई पर, इतना शुद्ध हवा है ना, आपको बता नहीं सकते। और देखिए वहाँ पर हेलीपैड का मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करता है, बाइक ये रास्ता से ना। अच्छा चलो, आप लोग व्यू देखिए कितना नीचे से चढ़ के आए। संतोष कहाँ से चले थे? यहाँ से नजर आ रहा, देखिए आपको दिखाते, जूम करके दिखाते हैं, वहाँ से चढ़े 5000 फीट की ऊंचाई पर। 5000 फीट नहीं, 1440 फीट और 1350 मीटर के लगभग में, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। बाइक से यहाँ से आती है, हाँ भाई दर्शन करने के लिए यहाँ आया, दर्शन ना करे आ रहा मैं, चलिए आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ। लाइफ में एक बार जरूर पारस मत आइए, चलिए आपके मंदिर के अंदर का दर्शन करवाते हैं। ये मूल स्थान है पारसनाथ भगवान का, जैसे तपस्या करके मच गए है। अच्छा, यहाँ माथा टेकिए, यहाँ आप ले लो। जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आइए आपको मुख्य द्वार का दर्शन करवाते हैं यहाँ से। आइए आपको दृश्य दिखाते हैं अंदर का। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पारसनाथ भगवान ऐसे तपस्या करके मोक्ष गए, यहाँ से मोक्ष प्राप्त किए थे, जो 23वें तीर्थ कर थे, ये जैन धर्म का तैसवा तीर्थ का समझिया पारसनाथ भगवान। अब हम जूता पहन रहे हैं यहाँ से, अब निकलने वाले हैं। जूता चमड़ा का नहीं है, फिर से हमें वही कितना किलोमीटर, 27 किलोमीटर फिर से नीचे जाना होगा। मेहनत से ऊपर चढ़े थे आप लोग, इतना तो देख ही रहे थे वीडियो में। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।